हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये जो वीडियो शेयर की हूं आप लोगों के साथ में, ये आज का वीडियो नहीं है। ये वीडियो है फेब मंथ का है और ईयर है 2020। ये तब का है वीडियो जब हम लोग घूमने के लिए गए थे सौंदा। बच्चों को क्या है कि बार बार भूख यानी लग जाती है, इसलिए मैंने केले का चिप्स का जो एक यानी पैकेट होता है वो बड़ा वाला मैंने रखा था, ताकि जब भी ये लोग को भूख लगे तो ये लोग को मतलब दे दूँ। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है ना, तब यानी गर्मी भी बहुत थी और इतने जगह पे घूम घूम के हम लोग इतना थक गए थे कि मैं क्या कहूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो सौंदा है ना, ये कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और तो दोस्तों, यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे श्री वादिराज स्वामी जी का मठ है, तो उन्हीं के दर्शन के लिए हम लोग गए थे। लाखों लोग जाते हैं हर साल दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी एक मतलब नदी है कोई, इसका मुझे नाम तो मतलब नहीं पता क्योंकि ऐसा वहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब खासियत है कि यहाँ पे बहुत सारे यानी शिवलिंग थे। यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है ना, तो ये भी देख के इतना अच्छा मतलब लग रहा था। एकदम नेचुरल ब्यूटी है ये फ्रेंड्स। तो बोलो आगे, मैं तो यही कहूँगी कि सभी को साल में एक बार घूमने के लिए तो जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अपना माइंड भी फ्रेश हो जाता है और एक बहुत कुछ मतलब नया देखने को मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा नदी है। ये देखिए, ये भी कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। यहाँ पे एक मतलब कोई टेंपल था ऊपर, तो वहाँ से फिर ये सीढ़ी होते हुए फिर नीचे आया है। और ये देखिए, मेरा छोटा विधान है, ये आइसक्रीम खा रहे हैं बैठ के, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना और इतना यानी बार बार प्यास लग रही थी, इसलिए यानी हम लोग आइसक्रीम बीच बीच में लेके खा रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये है मेरा बड़ा बेटा सारांश, सब मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इधर नहीं, सबोन में ना। और और यहीं पे फ्रेंड्स, मेरा जो चप्पल है ना वो गायब हो गया था यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक टेंपल है तो वहीं पे मैं चप्पल निकाल के दर्शन की, लेकिन उसके बाद जब आई तो चप्पल था ही नहीं। फिर उसके बाद मैं बिना चप्पल के ही मतलब पूरा जहाँ जहाँ हम लोग गए तो विदाउट यानी चप्पल ही गई, तो मुझे इतना यानी पैर भी इतना जल रहा था, लेकिन क्या करें, ये ऐसा यानी हो गया था। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना भी है कि चप्पल गायब होना अच्छा होता है, ऐसा मैंने सुना है, अब क्या पता। और जो विधान है वो ऊपर ही मतलब बैठा था, उसे हम लोग कब से बोल बोल के थक गए कि आ जाए नीचे आ जाए, लेकिन नहीं, वो सीढ़ी पे ही बैठा रहा। तो और फ्रेंड्स, ये जो मतलब नदी थी ना, यहाँ पे बहुत सारे फिशेस थे अंदर, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे, तो बहुत यानी अच्छा लग रहा था देखकर। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोग तो इसमें यानी स्नान भी कर रहे थे, तो मैं तो बस अपना जो पैर है वही मतलब डुबा कर यानी बैठी थी कुछ देर के लिए। सभी लोग बैठ के मज़ा ले रहे थे ठंडे ठंडे पानी का, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम क्या था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो जहाँ भी हम लोग को यानी पानी ऐसा झील तालाब अगर नदी मतलब दिखता था तो हम लोग दौड़ के मतलब जाते थे वहाँ पे। फिर फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग गए तपोवन, यानी वो बहुत बड़ा जंगल है, मतलब जंगल का रास्ता है, फिर उसके बाद में बड़ी सी मतलब एक यानी नदी है। तो फ्रेंड्स, यही है तपोवन। वन का मतलब होता है जंगल, तो ये जो जंगल है इतना बड़ा है ना कि मैं क्या बोलूँ। और जहाँ पे हम लोग जो यानी नदी में जाएंगे वो यानी ये पूरा जंगल हमें पार करके मतलब वहाँ पे जाना होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ये मतलब नदी में आ गए हैं और ये मैं कर रही हूँ सूर्य नमस्कार। तो यानी जो श्री वादिराज स्वामी जी इस तरह से सूर्य नमस्कार किया करते थे,
और यहीं पर बैठकर वो ध्यान साधना किया करते थे, इसलिए ये जगह जो है बहुत ही फेमस है। सारांश ये देखिए, वो तो पानी में इतना नहाया कि मैं क्या बोलूँ, और मेरे हस्बैंड वो भी मतलब नहाए थे यहाँ पर। ಇದು ನಿಸರ್ಗದ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ವಾದಿರಾಜ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ 21 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ 120 ವರ್ಷ ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸೊಂಟ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು ಯಾವುದೂ ಬರೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಮಾಡೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ. दर्शन करो, दोनों ये करते थे, आज स्वीट बनाया देखो दाल का, उसमें बनाते थे, वहाँ बैठते थे, उनका पेट है वो। तो फ्रेंड्स यहाँ से होने के बाद फिर हम सीधा अपने रूम पे गए, और रूम के बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग जो है अपने घर के लिए आ गए। तो फ्रेंड्स सौंधा में श्री वादिराज स्वामी जी का जो मठ है वो बहुत ही सुंदर है, और ये जो जगह है काफ़ी एडवेंचरस है, घूमने के लिए बहुत अच्छा है फैमिली के साथ, इसलिए मैं शेयर की ताकि आप लोग को पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।